बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि आप भाइयों के साथ आज सैमसंग का मैं एक जिन शेयर करूंगा। आप भाइयों के काफी कमेंट आते हैं इसके ऊपर मुझे, यानी कि सैमसंग नोट 10 प्लस यूजेबल में है, इस्तेमाल शुदा में है, न्यू नहीं है जी। अच्छा, न्यू वैसे 2500-2600 के अराउंड में मिल रहा है इस वक्त ये, लेकिन ये यूजेबल के इस वक्त सऊदी अरब में क्या प्राइस चल रहे हैं, मार्केट वगैरह में इस कंडीशन का आपको कितने तक का मिल जाएगा, आपको कितने तक का खरीदना चाहिए, ये तमाम तक डिटेल आप भाइयों साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर सैमसंग नोट 10 प्लस के साथ। ये रखा जी आपके सामने सैमसंग वालों का सैमसंग नोट 10 प्लस यूजेबल में है, इस्तेमाल शुदा में है, सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इसका क्या रेट चल रहा है वो आपके साथ डिटेल से शेयर कर देता हूँ। आप भाई भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये भाई कितने तक का होना चाहिए। तो मोबाइल की कंडीशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद इसके प्राइस भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, यानी कि शॉप वाला इसके क्या रेट मांग रहा है, क्या डिमांड है जी इसकी। तो बैक साइड से अगर सबसे पहले बात करें इस मोबाइल के, भाई ये लुक इसकी काफ़ी फेमस रही है। ये सैमसंग मॉडल यानी कि नोट 10 प्लस काफ़ी इसके प्राइस भी अच्छे रखे हैं और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। बैक साइड से कैमरों के मिरर वगैरह देख रहा हूँ, बिल्कुल ओके है, इनमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। जिनमें भाई मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो प्लस प्लस 16 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड 4K 180 तक की आप इनसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सैमसंग वगैरह लिखा मेड इन वियतनाम है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। नीचे वाली साइड से बात करेंगे आपको स्पीकर गिलिंग में हल्की फुल्की धूल है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। साइड पर आपको चार्जिंग की जगह रिप्लेसमेंट नहीं है, इस चीज़ की वारंटी दे रहा है शॉप वाला भी, और मैं खुद से भी देख रहा हूँ मोबाइल प्लेसमेंट नहीं है। साइडों से मोबाइल को चेक कर लेते हैं, कोनों से देख लेते हैं, कहीं कोई दाग धब्बे का चोट का निशान, वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑन ऑफ के बटन में देख रहा हूं, कहीं कोई मसला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्की फुल्की खराश मैंने देखी है जी बैक साइड पर, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मोबाइल बैक साइड से तो बिल्कुल ओके है। अभी आ जाते हैं इसके डिस्प्ले के मुतल्लिक। अगर डिस्प्ले की भाई बात करें तो आपको डिस्प्ले इसमें 6.8 इंच यानी कि 6.8 इंच का एक बड़े टाइप का डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको भाई इसमें सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिसमें ड्यूल वीडियो ऑटो HDR 4K वीडियो भी आप उससे रिकॉर्ड कर सकेंगे। अगर डिस्प्ले की बात करें तो मेरे हिसाब से भाई डिस्प्ले के लिहाज से काफ़ी बड़ा मोबाइल रखा गया है। बैक कैमरे का रिजल्ट भी यहां पर आपको दिखा रहा हूं, डिस्प्ले के अंदर भी मैं चेक कर रहा हूं, कहीं कोई कुछ चोट का निशान, कुछ दाग धब्बे का निशान कहीं से, डिस्प्ले इसका ब्लैक तो नहीं है। हालांकि कर्व डिस्प्ले है, इस पर खास नज़र रखनी चाहिए कर्व डिस्प्ले के ऊपर, हालांकि ये भाई डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है इनका। बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मैं बैटरी इसकी ओरिजिनल भी बता देता हूँ कि सैमसंग वाले इसकी ओरिजिनल भाई बैटरी कितने mAh की रखते हैं। 4300 mAh की इसमें भाई नॉन रिमूवेबल बैटरी रखी जाती है। फास्ट चार्जर की बात करें तो आपको 45 वाट का फास्ट चार्जर भी इसके बॉक्स के अंदर से मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बेस्ट चीज़ रखी गई है सैमसंग की तरफ से। अभी बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के मुतल्लक। तो आपको इसमें 256 GB स्टोरेज 12 GB रैम के साथ और 512 GB स्टोरेज 12 GB रैम के साथ ही मिलेगी, यानी कि रैम तो एक ही रखी गई है 12 GB, लेकिन स्टोरेज वाइज फ़र्क रखा गया है, यानी कि 256 और 512। बैटरी मैंने आपको बता दिया 4300 mAh की इसमें भाई ओरिजिनल सैमसंग की तरफ बैटरी रखी जाती है। ये यूजेबल सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसके ये शॉप वाला भाई इस वक्त 1600 रियाल मांग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने उसको बोला इसमें कोई प्यार मोहब्बत, वो बोलता नहीं है जी, ये कन्फर्म प्राइस है इसके। तो आप भाई मुझे कमेंट में बकायदा अपनी राय दे भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 1500 के अराउंड में मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि इसके न्यू के प्राइस से मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया है। किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अपनी ख्याल रखिएगा।